ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। दो पार्टियों ने मिलकर बिहार की जनता को धोखा दिया है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 MLAs को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया? और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है, दो दो मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ आपने? बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस के नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे, MIM पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने MIM के 5 विधायक को कामयाब किया, तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायीद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कभी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।